वो खास तौर पर हिंदू सनातन संस्था की जो मान्यता है उसमें औरत को देवी का रूप माना गया है। हम अपने कई सूबों में छोटी बच्ची को भी माँ कहते हैं, यह हमारी सभ्यता है। लेकिन अगर इसी मुल्क में हर 35 सेकंड में एक महिला के साथ रेप या मोलेस्टेशन हो रहा हो तो क्या सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए? महिलाओं को सिस्टम के महिलाओं को पूजने का देश विरोधी महिलाओं को पूजने की व्यवस्था किस धर्म में है सर? आप ढूंढते रहिए धर्म, मैं क्यों ना ढूंढूं सभ्यता की बात क्यों ना ढूंढूं? आप मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए वीरदास का एक वीडियो जो तीन तलाक और हलाला पर बना हो। मां के आप वीरदास क्या किसी कॉमेडियन का दिखा दीजिए जिसका एक वीडियो तीन तलाक या हलाला पर बना हो। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर जो बना के दिखा दे। वो आप मैं चैलेंज करता हूं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो बना के दिखाएगा। हिम्मत नहीं है कि आप सच को स्वीकार कर सके? क्या सच है? मैं चैलेंज करता हूं आप सच को स्वीकार करके बताइए। शर्म आनी चाहिए सिस्टम को, शर्मानी चाहिए सिस्टम को। सिस्टम को शर्मानी चाहिए, उस सिस्टम को भी शर्मानी चाहिए आपको। शर्मानी चाहिए बोलकर घर से निकाल दिया जाता है। कितने सिस्टम को आप इस सिस्टम को प्रमोट करते हैं, आपको शर्मानी चाहिए। मुझे क्यों शर्माएगी? सिस्टम के मैं उन महिलाओं के साथ खड़ा हूँ, एक महिला खड़ा हूँ। आपको शर्मानी चाहिए? जब अभी हिंदुओं के साथ हो तो आप नहीं खड़े नहीं खड़े होते तो जो अभी तहसील पूरा वाला ने मिसाल दी थी उस संस्था के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था। अगर आप क्यों अभी आपने कहा एक तो मिनट अभी आपका तर्क था अभी आपका तर्क था अभी आपका तर्क था तस्लीम रहमानी कि उस हॉल के अंदर लोगों ने ताली मारी, इसका मतलब उस बात को लेकर अप्रूवल है। तो जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस आदमी के लिए तो रोज तालियां बज रही है, उस आदमी के लिए तो रोज लोग जयकारे लगा रहे हैं, उसके लिए आपको दिक्कत है तो, और 500 लोगों की ताली अप्रूवल हो गई। यस, इसी पे दिक्कत है, यही दिक्कत है कि उस आइडियोलॉजी को ताली मिल रही है, यही है। तो वीरदास को भी ताली मिल रही है, उस ताली का विरोध कीजिए, उस ताली का विरोध कीजिए जो वीरदास को मिलती है। ताली ताली सुन के लगेगा कपिल मिश्रा जो वीरदास बोले अगर हिंदुओं पर तो वो सामाजिक आईना है, दूसरा देश बाकी समाज को आईना दिखाने की हिम्मत किसी कॉमेडियन में नहीं। वीरदास की बात सही है कपिल मिश्रा, वीरदास की बात इसीलिए सही है कि भारत दो होते चले जा रहे हैं। देखिए सुशांत भाई, असली दर्द निकल के आ गया। असली दर्द है कि इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों का बाप बैठा हुआ है यूपी में और उसी से इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको वीरदास का समर्थन कर देंगे, जिन्ना का भी कर देंगे, औरंगजेब का भी कर देंगे, आपके लिए हो सकते हैं, का भी कर देंगे, बुरहानवा इनका बाप है, योगी गॉडफादर है, योगी इनका बाप है, गॉडफादर है, ये मुख्तार अंसारी और ये जो डॉन है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने वाले जेल में डाले जा रहे हैं, कत्ल का मुलजिम है, धर्म परिवर्तन करने वाले मदरसे बंद किए जा रहे हैं, आतंकवादियों की फंडिंग बंद की जा रही है, ये जो मुख्तार अंसारी जैसे डॉन होते थे इनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनसे चाय वाला झेला नहीं जा रहा है और गाय वाला इनसे झेलते, जब आपने बोला तो मैंने काटा नहीं है, पागल मत होइए, हार्ट अटैक आ जाएगा, बात सुनिए, पागल मत होइए, पागल मत होइए, बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है, योगी तुम्हारा बाप है, तुम्हारे जैसे जिहादियों का, आतंकवादियों का, इस्लामिक मुस्लिम कट्टरपंथियों का, इस्लामिक जिहादियों का बाप है योगी, खत्म कर देगा इस्लामिक जिहाद को, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, किस किस का बाप है डरना, तुम्हारा ये डर दिख रहा है, किसका बाप है तुम्हारा ये डर दिख रहा है, डंके की चोट तुम्हारा ये डर दिख रहा है, इसीलिए वीरदास की बात, 2022 का डर योगी जी पर, 2022 का डर मोदी जी।